हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते गाइस, आज का हमारा ये नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं स्पेशली आप लोगों के लिए। ये जो सीरीज है स्पेशली वोकेबलरी की सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो सीरीज रहेगा आईबीपीएस एफओ के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए, आरआरबी एसओ के लिए, और क्लर्क की बात करेंगे क्लर्क के साथ एसबीआई पीओ 2024 एंड 25 के लिए हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये सीरीज जो है गाइस, सभी लोग ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात, ये सीरीज का मैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए यहाँ पे देना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो सीरीज है ना हमारी कोई एक या दो या कुछ 3 दिन की सीरीज चलने वाली नहीं है, है ना। ध्यान रखना है, इस सीरीज की बात करूंगा तो ये सीरीज आप लोगों की डेली चलेगी यहाँ पे, है ना। मतलब यदि महीने की बात करेंगे, जैसे 1 अगस्त से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर, है ना। 1 अगस्त की बात करेंगे तो 1 अगस्त से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। और ये सीरीज, ये सपोज करो कि महीने में तकरीबन मतलब 30 डेज का मंथ रहेगा हमारा, तो उसमें 25 डेज तक तो ये सीरीज कंटिन्यू मेंटेन रहेगा रहेगा। तो 1 महीने में 25 यहाँ पे समथिंग हो गया यहाँ पे। तो सपोज करो 1 दिन के अभी वोकेब देखना आप लोग, है ना, लास्ट तक बने रहना यहाँ पे। और वोकेब आप देखोगे ना कि ये वोकेब कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए यहाँ पे। मतलब महीने में हम टोटल यहाँ पे 25 क्लास हम लगाएंगे। तो देखो अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं अगस्त, है ना। तो अगस्त हमारा ये होगा पर्टिकुलर, ठीक है। अगस्त की बात करेंगे तो अगस्त के बाद क्या आएगा आपका, सितंबर हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर हो गया। आईबीपीएस एफओ के लिए बात करेंगे तो दिसंबर तक, और बाकी इनके लिए बात करेंगे यहाँ पे पीओ के लिए बात करेंगे, है ना। आईबीपीएस पीओ के लिए तो अगस्त सितंबर है आपके पास, अक्टूबर भी अभी, मतलब 3 4 महीने आपके पास क्या रहेंगे, एक कंटिन्यूअस यहाँ पे बने रहेंगे। तो सबसे पहली बात, आप यहाँ पे जो वोकेब वगैरह है इस वोकेब को देखिएगा, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे। इस वोकेब पावर को अंडर एस्टिमेट मत समझिएगा यहाँ पे, ये सभी के लिए है। एफओ के लिए भी है, आईबीपीएस पीओ के लिए भी है, आरआरबी एसओ के लिए भी है, क्लर्क के लिए भी है, सभी बच्चों के लिए ये सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हमारा फर्स्ट डे है इस सीरीज का और बहुत ही एकदम धमाकेदार हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पे। तो आप वोकेब को देखना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट इस वोकेब का आपको मिलेगा। इन फ्यूचर क्या रहेगा कि आपकी जो एग्जाम वगैरह है, एग्जाम के लिए हम वोकेब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहली बात की वोकेब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इस वोकेब को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसके एक रीजन भी यहाँ पे बनेगा। डोंट वरी, इस फॉर्म के मैं डिटेल बताता हूँ यहाँ पे। आई थिंक आप लोगों को पहले से यहाँ पे पता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि हम जो वोकैबुलरी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे। सभी लोग जानते हो कि वोकैबुलरी जो रहता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब यदि देखा जाता है, किसी भी, चाहे हम पीओ की बात करें, क्लर्क की बात करें, या तो फिर हम एफओ की बात करें, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करें, तो इसमें जो रहेगा सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट माना जाएगा वो क्या रहता है, इंग्लिश ही रहता है। यस या नो बताइए, है ना, इंग्लिश रहता है डेफिनेटली। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या रहते हैं, इससे डरते हैं यहाँ पे कि भाई किस प्रकार से होगा सेशन वगैरह यहाँ पे, या तो वो केब हम किस प्रकार से याद करें। तो देखो मैं एक दिन, अभी तो हमारा सेशन में आज आज सिर्फ आपको 5 ओकेब बताऊंगा, लेकिन इस 5 ओकेब में ध्यान रखना, 1 ओकेब के अंतर्गत हमारे तकरीबन 5 यहाँ पे रहेंगे। 1 ओकेब के अंतर्गत हमारे 5 रहेंगे, तो लगभग कितना हो जाएगा, 50 25। मतलब आपको एक लेक्चर में टोटल 25 ओकेब मिलेगी। एक लेक्चर में 25 ओकेब यहाँ पे मिल रही है आपको, तो लगभग हमारा मतलब महीने में मैं 25 क्लास तो ले ही लूंगा यहाँ पे, है ना। तो देखो 25 हमारी, ये 25 की है, तो 25 25 कितना होगा, 625। मतलब 1 महीने में आपको 625 ओकेब यहाँ पे मिल जाएंगे, और 5 महीने तक हम कंटिन्यूस को बना के रखेंगे एफओ के लिए और पीओ के लिए। लगभग 3 4 महीने तक आप लोगों को एग्जाम के लिए वहां पे डटे रहना पड़ेगा। तो लगभग ये मान के चलो कि आपका कितना हो जाएगा, यदि एफओ के लिए बात करेंगे तो 31025, सॉरी 3125 जो ओकेब रहेगा। 50 25 का 5, 5 2 10, 2 12 का 2 8 के 1, और 6 5 30 और 31, मतलब 3125 जो ओकेब रहेगा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बने रहे यहाँ पे। सबसे पहली बात, आज हमारा बेसिक डे है, ओकेब को भी हम देखेंगे अच्छे बढ़िया सा, हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा। तो इस कारण से सारी जानकारी देना मेरे को आप लोगों के लिए स्वाभाविक सी बात है कि सारी की सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। देखो यदि आपके पास ओकेब यदि आपको अच्छे से बनता है, तो आप मतलब बैंकिंग की बात करेंगे, चाहे पीओ हम क्लर्क की बात करें या तो एफओ की बात करेंगे, तो उसमें जो पेरा जंबल आता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं PQRS के नाम से भी जानते हैं। पीओ में डायरेक्टली कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, लेकिन एफओ के लिए बात करेंगे तो एफओ
देखो मैं कितने नंबर का आएगा, 2.5 नंबर का आएगा। मतलब टोटल इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन आधे नंबर का रहता है A4 में यहाँ पे। बाकी PO की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। और उसके बाद इसको हम PQRS भी बोलते हैं यहाँ पे, मतलब इसके एक सिक्वेंस हम लोगों को यहाँ पे जमाना पड़ता है। सिनोनिम से एंटोनिम से जो रहेंगे आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। यदि सिनोनिम से एंटोनिम से आपके बनते हैं तो काफी एकदम बहुत ही बढ़िया से आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा। आगे चल के हम बात करेंगे, यदि आपको वोकैब अच्छे से बनता है तो आपके जो फिलिंग द जो ब्लैंक्स वगैरह रहेंगे, जैसे सपोज करो कोई सिंगल होता है या तो फिर डबल जो फिलर वगैरह होंगे, तो आपको सिंगल भी अच्छे से बनेगा और डबल जो फिलर रहेगा तो डबल फिलर भी आप लोगों को बहुत एकदम बढ़िया से बनेंगे। बस आप लोगों को डटे रहना है यहाँ पे कि फिलर किस प्रकार से आएंगे। यहाँ पे क्लोज टेस्ट की बात करेंगे तो ये वोकैब आपको क्लोज टेस्ट में भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, और साथ ही साथ बात करेंगे वर्ड स्विफ्ट में भी वेरी हेल्पफुल रहेगा। तो ये सेशन को जल्दी से आप सभी लोग अभी तक देखो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसको फटाफट लाइक कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको देखते हैं, तकरीबन 500-600, और अभी तो ये सीरीज और भी बढ़ने वाला है यहाँ पे, तकरीबन 1-2-3 हजार लोग भी इसको यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो देखो करीबन 1 हजार लोग भी यहाँ पे देखते हैं, तो करीबन तकरीबन 500 लाइक तो आना ही चाहिए यहाँ पे, है ना। आप देखते हो 1 हजार लोग देखते हैं वहाँ पे, और पर्टिकुलर 100 ही लाइक आ पाते हैं वहाँ पे, है ना। 1 हजार बच्चों पे 100 ही लाइक आ पाते हैं, तो लाइक देने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, एकदम बढ़िया से थम्स अप दे। थम्स अप दे क्या, आप अपने वहां पे अटेंडेंस लगाए कि हम लोग सर आ चुके हैं। क्या लगाना है आप लोगों को, अपनी अटेंडेंस आप लोगों को वहां पे लगाना है। तो देखो सबसे सबसे पहले बात करेंगे PO की, बात करेंगे यहाँ पे फॉर्म फिलअप की बात करेंगे, तो फॉर्म फिलअप आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे पता है कि कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, जो आप लोगों ने इसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पे पढ़ लिया होगा, है ना। चलिए तो देखो PO की बात करेंगे या तो SO की बात करेंगे, तो दोनों के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब 1 अगस्त से दोनों के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और 21 अगस्त तक इसके लास्ट डेट तक चलेगा यहाँ पे। तो 1 अगस्त से 21 तक यहाँ पे ये चार्ज पेमेंट डेट है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन प्रीलिम्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो देखो सितंबर या अक्टूबर में होगा। जो PO की बात करेंगे तो इनका कब होगा, सितंबर अक्टूबर में होगा। SO की बात करेंगे तो इसका दिया है दिसंबर के समथिंग यहाँ पे दिया है, दिसंबर में यहाँ पे 2 डेट उन्होंने मेंशन किया है, 30 को हो सकेगा या तो फिर 31 को हो सकता है यहाँ पे। PO में जो आपका मेन एग्जाम होगा यहाँ पे नवंबर के समथिंग होगा मेंस एग्जाम, और IBPS FO की बात करेंगे जिसको हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर बोलेंगे, तो इसका 28 जनवरी को होगा यहाँ पे, ठीक है। कंडक्ट इंटरव्यू होगा इसका जनवरी फरवरी में होगा, और इसके इंटरव्यू की बात करेंगे तो फेब और मार्च के समथिंग होगा। फाइनली क्या होगा, प्रोविजनल जो अलॉटमेंट होगा यहाँ पे, तो PO का भी अप्रैल में ही होता है फाइनल, और IBPS ASO का भी क्या होता है, अप्रैल में ही होता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो फॉर्म के रिगार्डिंग मैंने बताया यहाँ पे, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो बीच स्टार्टिंग में आप लोग बीच में जाइएगा किसी भी डेट में पर्टिकुलर, ना तो लास्ट में भरना और ना ही स्टार्टिंग में, थोड़ा देख लीजिएगा 1-2 दिन थोड़ा गैप लेके पर्टिकुलर फॉर्म को आप लोग भरिएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत एकदम धमाकेदार शुरुआत करते हैं हम लोग, वेल डन, बहुत बढ़िया। और इस सीरीज की हम शुरुआत करते हैं श्री गणेश का नाम लेके, बोलो गणपति महाराज की जय। चले बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करेंगे। कमेंट में आप लोग जाते जाते जरूर बताना कि कैसा सेशन रहेगा, ताकि मैं और भी इस सीरीज को प्रॉपर, मतलब ये मान के चलो कि आपके दिसंबर तक इसको मेंटेन करके चलो यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को कमेंट ही वहां पे बताएंगे। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बात ध्यान रखना कि ये जो ओके भी मेरे 3 से 4 साल की जो भी मेहनत मैंने ओके भी स्टार्ट मैंने लिखा है पर्टिकुलर, उसको मैं नोट करता हूँ पर्टिकुलर, और जितना जितना भी समय बचता है मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो जाते जाते कमेंट जरूर कीजिएगा, तो और कॉपी भी बनाइएगा, जो हम ओके स्टार्ट कर रहे हैं इस ओके का कॉपी आप लोग जरूर वहां पे बनाइएगा, है ना, उसको लिखिएगा प्रॉपरली वहां पे, क्योंकि देखो एक ओके से बहुत सारे ओके यहाँ पे मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सेशन की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले बात, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कुछ एंटोनिम्स होंगे और क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। तो एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विपरीत अर्थ होता है, और सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समान अर्थ होगा। जैसे गुड की बात करेंगे तो गुड का अपोजिट क्या हो जाएगा, बेड हो जाएगा। ट्रू का अपोजिट क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा, मतलब इसके एंटोनिम हो गए। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समान अर्थ होगा। जैसे गुड की बात करेंगे तो गुड का क्या हो जाएगा, बेटर, बेटर होगा। रिजम्पशन की बात करेंगे तो रिजम्पशन का मतलब क्या होगा, रीस्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। चले बहुत बढ़िया, तो ऐसे हम देखेंगे एंटोनिम सिनोनिम्स आप लोगों को नोट डाउन करते जाना है, ये तो मैंने बेसिक बताया। स्टार्ट करेंगे हम लोग, हमारा आज का फर्स्ट हमारा यहाँ पे रहता है, देखो मैंने सारे के सारे यहाँ पे इसके सिनोनिम्स लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा गया है प्रोब, लिखा है क्या लिखा मैंने, प्रोब, आप लोग मेरे साथ साथ बोलना, बोलते चलो, प्रोब, इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद क्या लिखा है, स्क्रूटिनिटी लिखा है,
साथ बोलो प्रोब, इन्वेस्टिगेशन और क्या होगा, स्क्रूटिनिटी होगा यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग एलिगेशन ऑफ करप्शन इन्वॉल्विंग सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, मतलब जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव जो इन्वॉल्व वगैरह है, पर्टिकुलर जो भी करप्शन वगैरह हुआ था, जो उसके आरोप लगे थे, तो पुलिस क्या कर रही है, उसकी एक प्रकार से इन्वेस्टिगेटिंग यहाँ पे कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कर रही है, मतलब ये आर लगा, ये हमारा क्या एक प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है यहाँ पे, तो आईएनजी डेफिनेटली आएगा यहाँ पे ना, तो इस प्रकार से भी हम लोग यहाँ पे देखते जाएंगे। तो देखो ये सारी की सारी चीजों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। जैसे प्रूफ का भी मतलब क्या होता है, मतलब छानबीन करना होगा, आप लोग लिख लेना यहाँ पे, हिंदी भी लिखते जाना, इनका मतलब क्या होगा, एक प्रकार से छानबीन करना होगा। तो प्रोब बोल दो, इन्वेस्टिगेशन बोल दो, या तो क्या बोल दो इसको, स्क्रूटिनी दे, स्क्रूटिनी बोल दो, इसको ध्यान रखना है, स्क्रूटिनी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे आने की बनेगी। सेकंड नंबर के हम ओके पे चलेंगे, देखो एक से हमको कितनी ओके मिलेगी, अब देखो यहाँ पे लिखा है प्रोबेबली, लिखा है प्रोबेबली का मतलब क्या होता है, शायद, अब बोलते हैं ना प्रोबेबली, मतलब शायद बारिश होने वाली, तो क्या बोलते हैं प्रोबेबली वहां पे, या तो बोलोगे मे बी बोलोगे, या तो क्या बोलोगे परहेप्स बोलोगे, परहेप्स का मतलब भी क्या होता है, शायद होगा, या तो बोलोगे पॉसिबल बोलोगे, लाइकली टू बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे एक प्रकार से प्रिज्यूमेबल यहाँ पे बोलोगे। ठीक है, तो इन सभी का अर्थ एक ही होता है, मतलब एक संभावना यहाँ पे दर्शाना चाह रहा है। ठीक है, तो यूज्ड टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी, मतलब एक एक प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज हमारे पास के एक प्रकार से अनसर्टेनिटी, मतलब सर्टेन नहीं है वहां पे, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, या तो इसको हम क्या बोलेंगे एक प्रकार से पॉसिबिलिटी वहां पे, तो इन सभी का अर्थ एक ही निकलता है, जो किस सेंस में जाता है, एक प्रकार से शायद के सेंस में यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो देखो इस ओके को आप लोग लिखते चलिएगा यहाँ पे, है ना, मतलब इसकी किसकी ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। आगे भी हम बात करेंगे क्या लिखा है, रिजम्पशन, रीस्टार्ट, रीओपनिंग, रिन्यूअल और रिनोवेशन यहाँ पे लिखा है, मतलब इसका क्या करना कि फिर से चालू हो रहा है यहाँ पे। जैसे सपोज करो कोविड आया था, तो कोविड के बाद क्या हो गई, सारी चीजें एक प्रकार से रीस्टार्ट हुई वहां पे। जैसे स्कूल की बात करेंगे, स्कूल कॉलेज वगैरह फिर से क्या होने लगे, एक प्रकार से रीस्टार्ट यहाँ पे होने लगे। तो क्या बोल रहा है, इंस्टेंस ऑफ रिज्यूमिंग एन एक्टिविटी और स्टेट आफ्टर एन इंटरप्शन, मतलब एक इंटरप्शन के बाद होगा कोई चीजें जो हुई, मतलब एक्टिविटी वगैरह वहां से क्या हो गई एक प्रकार से फिर से स्टार्ट वहां पे हुई। तो इस बात को ध्यान रखना है, एक उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। अब इनके ये जो सिनोनिम्स वगैरह है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखना, साथ में मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल भी वहां पे लेके चलूँ, ताकि आप लोगों को वहां पे समझ में आए वहां पे। चलिए अगले चल के हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो लिखा गया है पीस, पीस का मतलब क्या होता है, शांति, आपको क्या चाहिए एक प्रकार से शांति चाहिए, ये शांति दूसरी वाली शांति जो एकांत में शांति मिलती है ना, ये शांति दूसरी है, तो पीस बोल दो, सेरेनिटी बोल दो, काम बोल दो, कामनेस बोल दो, साइलेंस बोल दो, स्टिलनेस बोल दो, या फिर ट्रेंक्यूलिटी यहाँ पे बोल दो। देखो ट्रेंक्यूलिटी भी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा भी जाता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ट्रेंक्यूलिटी का अर्थ क्या होगा, तो ट्रेंक्यूलिटी का जो अर्थ होगा, इसका अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से पीस, मतलब आपको एक प्रकार से शांत माहौल चाहिए वहां पे। जैसे क्या बोल रहा है, पासिंग कार्स आर द ओनली नॉइसी, मतलब जो भी कार पास होती है पर्टिकुलर वहां पे जा रही है, तो वो एक नॉइसी का कारण ओनली बनेगी, डिस्टर्ब द ट्रेंक्यूलिटी ऑफ रूरल लाइफ, मतलब जो भी रूरल पीपल होते पर्टिकुलर, उनकी जो ट्रेंक्यूलिटी है, मतलब उनकी जो शांति वगैरह है, उनकी शांति को क्या कर एक प्रकार से डिस्टर्ब वहां पे कर रही है, जो भी कारें वहां से एक प्रकार से क्या हो रही है, जो सिर्फ कारें वहां से गुजर रही है वहां पे। तो देखो ये सारे के सारे सिनोनिम्स है यहाँ पे, एंटोनिम्स नहीं है, ये सारे के सारे के सिनोनिम्स है, जैसे पीस हो जाएगा, सेरेनिटी हो जाएगा, काम हो जाएगा, कामनेस हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, स्टिलनेस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मेरे साथ साथ बोलो, क्या बोला जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे ट्रेंक्यूलिटी हो जाएगा। अब बहुत बढ़िया, यहाँ पे चलिए आगे चल के हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो क्या बोला, एक प्रकार से प्लॉसिबल, प्लॉसिबल बोल दो, या तो प्रेज बोल दो, या तो एडमायरेबल बोल दो, या तो एडमायरेशन बोल दो, या तो लॉडेबल बोल दो, प्रेस वर्थी बोल दो, या कॉमनडेबल बोल दो। कॉमनडेबल को स्टार मार लो यहाँ पे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लॉसिबल को भी एकदम स्टार मार लो यहाँ पे। इन सभी का अर्थ एक ही सेंस में निकलता है, कि किसी की क्या कर रहे हैं आप वहां पे, एक प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब उसकी एक प्रकार से तारीफ कर रहे हैं वहां पे। तो देखो एग्जाम्पल की बात करेंगे, आई डोंट नीड योर प्रेस, मुझे आपकी प्रेस की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, मुझे प्रेस की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, तो आई डोंट नीड योर प्रेस, ही रिसीव्ड अ लॉट ऑफ प्रेस फॉर हिज
हिज एफर्ट, मतलब उसने बहुत सारी प्रशंसा क्या कि एक प्रकार से उसने हासिल की, उसके जो भी एफर्ट वगैरह थे वो एफर्ट वहां पे लगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इन सभी के मैंने क्या लिखे गए सिनोनिम्स, इसको कॉपी में नोट करिएगा और डेली आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो आज तो मैंने 5 करवाए यहाँ पे। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, क्या दिया है यहाँ पे कि डायरेक्शन इन द फ्लोविंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग गिवन वर्ड एज योर आंसर। यहाँ पे मतलब आपको बताना है कि इन्वेस्टिगेशन जो होगा, तो इन्वेस्टिगेशन अभी हमने देखा था, देखो जो हमने 5 होके पढ़ी ना, तो इसमें से यहाँ पे छुपा है, बताइए इसमें से इसका सिनोनिम से यहाँ पे क्या पूछ, सिनोनिम से पूछा है बोला ना यहाँ पे कि चूज द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग वर्ड एज योर आंसर यहाँ पे। तो उसका यहाँ पे बताना है यहाँ पे कि इन्वेस्टिगेशन का सिनोनिम से यहाँ पे क्या हो सकता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन देगा वहाँ पे, या तो फिर डायरेक्ट आपको एग्जाम में पीओ में भी देता है एक प्रकार से यहाँ पे, और आईबीपीएस एफओ में भी यहाँ पे देगा। पीओ में भी मैंने जो पेपर दिया था 2-3 पेपर दिए वहां पे, तो उसमें भी वहां पे इस प्रकार से देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं, अभी हमने देखा था कि उसका मतलब क्या होता है स्क्रूटिनी होगा यहाँ पे। तो देखो ये हमारा लगभग डेली के हम इसी प्रकार से यहाँ पे हम करते जाएंगे। तो अभी तो मैंने 5 बताए, लेकिन 5 में हमने ये मान के चलो कि तकरीबन 2500 के हमने यहाँ पे देख ली है। तो ये सेशन डेली चलेगा, आप लोग जरूर मेरे को कमेंट में बताइए कि ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, ये सीरीज कैसा है पर्टिकुलर यहाँ पे, और आज का हमारा सेशन कैसा लगा। जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है, जो भी दोस्त वगैरह है, जो आईबीपीएस पीओ कलर का वगैरह जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को इस वीडियो की लिंक जरूर वहां पे सेंड कीजिए। साथ में साथ जो एफओ के बच्चे हैं तो उनको भी आप लोग जरूर यहाँ पे दीजिए यहाँ पे, और जाते जाते अपनी अटेंडेंस लगाइए। अटेंडेंस पता है ना कैसे लगाना है, थम्स अप दे के लगाना है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोगों को, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में, बहुत ही धमाकेदार शुरुआत हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, शुभ रात्रि सभी लोगों को।